नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। दिवायर इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं हाल ही में बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी प्रमुख बातें क्या रहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार की शुरुआत पुरुलिया से की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 मई को मात्र 45 दिन हैं जब पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी जन्मी जिसका सेकुलरिज्म मंदिर जाने से खतरे में पड़ जाता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि ममता दीदी भी अब मंदिर में चंडी पाठ कर रही हैं। यह है परिवर्तन, यह है अपना नया भारत। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। यशवंत सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही यशवंत सिन्हा को टीएमसी की नेशनल वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। सिन्हा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी का दामन थाम लिया है। यशवंत सिन्हा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व से मतभेद के चलते वर्ष 2018 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि उनके बेटे जयंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग के बीजेपी के लोकसभा सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा में पुराने नेताओं और पार्टी का हाल ही में दामन थामने वाले लोगों के बीच तकरार खुलकर सामने आ रही है। राज्य विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर कई लोगों ने भाजपा के प्रति नाराजगी जताई और इस्तीफा दे दिया। साथ ही राज्य भर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी किए गए। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए सोवन चट्टोपाध्याय और उनके साथ बैसाखी बंदोपाध्याय ने भी टिकट नहीं मिलने पर भाजपा छोड़ दी। चट्टोपाध्याय कई दशकों से बेहाला पूर्व सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। यहां से पायल सरकार को टिकट दे दिया गया जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुई हैं। इलेक्शन बुलेटिन के अगले चरण में हम आपको दवायर द्वारा किए गए इंटरव्यू और ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू करवाएंगे। दिवायर की टीम पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। दिवायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी ने उन लोगों से बात की जिनसे एबीवीपी द्वारा एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के कॉफी हाउस में यह कहा गया कि लाल की दलाली बंद करो और वंदे मातरम बोलो। आइए सुनते हैं इस बातचीत को। ये बताइए कि कल क्या हुआ था, कैसे एबीवीपी के छात्र पहुंचे यहाँ? कल एक्चुअली वो लोग कॉफी हाउस में आए थे ये मोदीपारा कैंपेन के लिए। वो लोग एक मोदीपारा बोल के कैंपेन कर रहा है, लेकिन कैंपेन नहीं किया। एक्चुअली जो किया वो अंदर घुस के सारे टेबल ऑक्यूपाई करके बैठे रहे। और कॉफी हाउस का ये कल्चर नहीं है कि कोई एक मतलब बहुत एग्रेसिवली बहुत मतलब लाउड बॉडी लैंग्वेज में कोई आए और वहाँ पे कोई एक दबदबा फैलाए, ऐसा नहीं है कॉफी हाउस का कल्चर। कॉफी हाउस में इसके पहले भी बहुत कैंपेन हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, हम भी किए हैं, बाकी दूसरे पॉलिटिकल ओपिनियन के लोग भी किए हैं, लेकिन इन लोगों का जो एटीट्यूड है वो इन जनरली लोगों को बहुत गुस्सा किया। मतलब लोग एजिटेटेड हुए, मतलब काफ़ी लोगों को मतलब परेशानी हुआ इन लोगों के एटीट्यूड से। तो आप ये बताइए कि ये जो पूरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स यहाँ नजर आ रही है, क्या ये सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स तक इसे देखेंगे या आप इसे कनेक्ट करते हैं जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं उससे? नहीं, एक्चुअली जो हम लोग का ये कैंपेनिंग चल रहा है ये ओनली स्टूडेंट तक का सीमित नहीं है। ये बड़े बड़े जो कम्युनिस्ट सोच के लोग हैं जो राजनीतिक में अलग ये करते हैं, जैसे लाल की राजनीति हो या फिर कुछ भी, वो धार्मिक राजनीति से जो अलग है, उनकी ये सोच है कि बंगाल में एक अलग तरीके का राजनीति हो जो प्रगतिशील हो, जो डेमोक्रेटिक हो। बस वो मिलकर हम लोग एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक सिर्फ स्टूडेंट है ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट है, राइटर है, पोएट्री है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है वगैरह, सब मिलकर एक कैंपेनिंग स्टार्ट की। पूरी बातचीत सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी बातचीत सुन सकते हैं। बुलेटिन के तीसरे चरण में हम आपको सोशल मीडिया पर इलेक्शन को लेकर होने वाली हलचल से रूबरू करवाएंगे। टाइम्स नाउ ने एक ट्विटर पर सर्वे किया है जिसमें यह पूछा गया कि क्या ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल विधानसभा चुनाव जीतेंगी। इस सर्वे में 70% लोगों ने ममता बनर्जी की जीत के पक्ष में वोट किया है। अंत में आपको सुनवाते हैं टीएमसी का असेंबली इलेक्शन कैंपेन एंथम और आप सब देखते रहिए दी वायर का इलेक्शन बुलेटिन। धन्यवाद। बंगला निजर में के चाहे बंगला।
বিশ্বাস করি এক কথায় তাই তো সকলে দিচ্ছি সায় যে বোঝে মাটিকে যে বোঝে সব এই বাংলার যে গৌরব वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।